So yo, what's up people, and welcome back to this video guys. So what's up, how are you everyone? I hope everyone will be fine. So yaar kaise ho yaar aap sabhi log, mujhe pata hai sabhi log acche honge. To aaj ki is video mein aapne title aur thumbnail dekha hoga ki bhai sahab TH11 3 star. Ha bhai sahi dekha aapne bhai, kya hi bataun yaar. Lavaloon bhai abhi bhi OP hai yaar, matlab ki main isko army mein pehle use karta tha 2016-17-18 mein, और मैं 2019 में सही बताऊँ तो मैंने इसको छुआ तक नहीं है. तो जैसे कि आपको पता है कि इवेंट्स वगैरह चल रहा है, आप अपने इवेंट वाले सेक्शन में खोलो तो देखो कौन सा इवेंट चल रहा है. एक है हीरो हंटिंग और है लावा वाला. तो लावा है तो बेसिकली आपको पता ही है, लावालूनियन, लावा बलून्स एंड मिनियंस. तो बेसिकली मैंने क्या सोचा था कि चलो वॉर में अटैक मार देते हैं और इवेंट भी चल रहा है तो थोड़ा डिस्काउंटेड ट्रूप्स तो एलिक्सर वगैरह बच जाएगा तो उससे अपग्रेड वगैरह कर लेंगे. तो मैंने क्या सोचा, चलो ठीक है वॉर में अटैक मार लेते हैं. और मेरी क्वीन भी अपग्रेड पे लगी हुई है और भाई क्या ही अटैक हुआ ना भाई, क्या बताऊँ मैं. तो वॉर अटैक मैंने मारे भाई, दोनों के दोनों 3 स्टार, वो भी क्या क्या बताऊँ यार गाइस, वो भी न्यू सीज बरा का ही है उसी के साथ. तो ज़्यादा पक्चोरी नहीं करेंगे, सीधी से वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो गाइस मैं जा रहा हूँ यहाँ पे पिछला वॉर देखने के लिए. तो पिछला वॉर देखने के लिए मैं क्लैन पे क्लिक करूँगा और वॉर लग पे जाऊँगा और क्लासिक मोड पे डिटेल्स, क्योंकि जो वॉर हुआ था वो कल हुआ था और मुझे रिकॉर्डिंग करना चाहिए था कल, पर कुछ रीज़न की वजह से मैं नहीं कर पाया. तो सोचा कि कल नहीं कर पाया तो क्या हुआ, आज ही कर लेता हूँ. और मैं नीचे ढूंढ रहा हूँ कि मैं कौन से बेस पर मैंने अटैक किया था. तो मैं सोच रहा हूँ कि कौन सा दिखाऊँ पहले, क्योंकि दोनों जो बेस हैं दोनों एक्चुअली सेम बेस हैं. तो मैं जाता हूँ यहाँ पे माय टीम पे और रिप्ले वन दिखाने की प्रयास करता हूँ, तो कोशिश करता हूँ. तो मैं यहाँ पे गया तो यार सबसे पहले आर्मी कंपोजिशन देख लो यार आप लोग गाइस. मैंने लिए हैं 30 बलून्स, एक इलेक्ट्रो ड्रैगन. तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक पॉइजन डाला मैंने और एक बलून डाला. एक बलून डालने से क्या हुआ कि जो क्वीन जो थी जो अंदर थी वो बाहर निकल आई और इलेक्ट्रो ड्रैगन उसको पीछे से डाउन कर दिया. तो ये बहुत सही है, जैसे क्वीन डाउन हुई ओपोनेंट की तो मैंने कर दिया अपना लावालूनियन स्टार्ट. तो सबसे पहले मैंने अपने दो दो उंगली से बलून छोड़े पीछे से. बलून छोड़ने के बाद स्पेल्स वगैरह की बारिश की, क्योंकि स्पेल्स तो भाई होने चाहिए, ज़रूरी होने चाहिए. तो स्पेल्स वगैरह मैंने डाला है तो, और जैसे अंदर गए रेज वगैरह डाला, हेस्ट डाला. तो मैं देखा कि मैं जो ये क्या बोलते हैं उसको, गुब्बारे बलून्स, वो मर रहे थे, दे वर अबाउट टू डाई. सो मैंने क्या सोचा, चलो फ्रीज डाल दिया जाए और ग्रैंड वार्डन किस लिए बड़ा है, ग्रैंड वार्डन की एबिलिटी. और सबसे मेन चीज़ गाइस, सबसे मेन चीज़, मैंने जो यूज़ किया था सीज बराक यूज़ किया था, तो सीज बराक को मैंने पीछे से डिप्लॉय किया ताकि विजार्ड्स हैं, विजार्ड्स क्लीनअप में हेल्प करें और जो पेका है पेका वो कुछ बिल्डिंग्स को टैंक करने में हेल्प करेगा. तो वही हुआ गाइस. तो मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो, वैसे भी वीडियो होने वाली लंबी तो आप लोग भी बोर ना हो, तो इसलिए मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया. तो गाइस ये भाई मजाक, भाई मजाक है क्या ये, आप ही लोग बोलो भाई. मजाक जैसा बेस उड़ा दिया मैंने, सही बताऊँ भाई क्या ही बताऊँ. तो मैं पता नहीं मैंने क्या गर्दे फूक रखे थे, वापस वही अटैक दिखा रहा हूँ मैं फालतू का. तो पता नहीं क्या हो गया था मेरे को, लगता है डेटॉल का नशा हो गया था, पर फिर भी कोई बात नहीं, वही अटैक है. अभी दिखाता हूँ आपको सेकंड अटैक, कट करता हूँ उसको. सो बेसिकली जो ये अटैक था वो वही वाला अटैक दिखा रहा था, गलती से दिखा दिया था मैंने. तो ये था मेरा सेकेंड अटैक. तो सेकेंड अटैक भाई वही आर्मी है, भाई वही आर्मी है, 30 बलून्स, 1 इलेक्ट्रो, 10 मिनियन, 2 लावा, 1 सीज बराक, 2 रेज, 2 फ्रीज खुद के, 2 फ्रीज CC के और 4 हेस्ट प्लस 1 पॉइसन. तो आपको पता ही है सबसे पहले आपका मेन प्रायोरिटी होता है क्वीन को डाउन करना, क्योंकि क्वीन डाउन नहीं करोगे तो आपके बलून्स वगैरह मर जाएंगे. तो वही गया, मैंने दो उंगली से मैंने बलून्स को छोड़ा पीछे, ग्रैंड वर्डन प्लस सीज बराक जो कि न्यू है. भाई सीज बराक भाई कतई ओपी है भाई, बताऊँ पेका आएगा और पीछे विजार्ड आएंगे ताकि क्लीन अप हो. और भाई हेड स्पेल मैंने ऐसे दिए ना कि डायरेक्ट अंदर ही घुस गए, ईगल आर्टिलरी को मौका तक नहीं दिया. तो जैसे फ्रीज और रेज का उपयोग मैंने एक साथ किया और वापस से मैंने फ्रीज स्पेल डाल दिया वहाँ पे, मतलब
चार फ्रीज इन्फर्नो प्लस एयर डिफेंस प्लस हिडन टेस्ला दोनों साइड के डाउन कर रही है भाई साहब। और साथ ही साथ वही टाइम पे मैंने ग्रैंड वार्डन की एबिलिटी ले ली। तो यार सही बताऊँ, मतलब मेरे को आइडिया नहीं था, मुझको लगा कि भाई वन स्टार टू स्टार रहेगा, पर भाई खतरनाक आर्मी है यार भाई। थ्री स्टार कैसे हुआ, मुझको खुद मैं खुद शौक था यार। मतलब एक साल बाद जब कोई यूज़ करेगा यार लावालूनियन, भाई साहब क्या ही बताऊँ कितना खतरनाक हो सकता है गेम प्ले अटैक जो कुछ भी कहो आप। और भाई पेक्का यार जिंदा, यार पेक्का यार पूरा घूम के यहाँ तक आया है, पूरा पीछे से लेकर आगे तक। और उसके जो विजार्ड्स है भाई, विजार्ड्स सही में काम में आए विजार्ड्स। तो मैंने फास्ट फॉरवर्ड इसीलिए किया है क्योंकि मुझे पता ही है आप लोग भाग जाते हो वीडियोस छोड़ के, तो ठीक है ये सब तो चलता रहेगा। तो आप लोग को लगा होगा कि हाँ भाई ये सब अटैक्स तो कल किए थे, तो ठीक है मैं आज का भी अटैक दिखा दूंगा। वैसे मैं अभी जा रहा हूँ अटैक करने, लाइव अटैक। तो जैसे ही मुझको क्या बोलते हैं बेस मिलेगा एकदम अच्छा वाला, एकदम लूट भरा वाला बेस, तो मैं वैसे ही दिखाऊंगा वो अटैक। ओके लाइव अटैक वो भी। तो गाइस बहुत सर्च करने के बाद मुझे एक भाई साहब लूट देखो आप भाई, क्या खतरनाक लूट वाला बेस मिल गया यार मुझको भाई, मतलब मुझको मजा ही आ गया। तो सबसे पहला काम मैंने वही किया क्वीन को डाउन करने का, और आर्मी सिंपल सेम है भाई, मैंने कोई भी चेंजेस नहीं किए, बस फ़र्क ये है कि सीज बराक लेवल 2 गए। तो मैंने क्वीन को डाउन करने की कोशिश की, पर एक्स बो और आचटा और ने भाई करने नहीं दिया। पॉइजन तो किया था क्वीन को पर नहीं हुई, तो कोई बात नहीं। तो मैंने सोचा कि टाइम बर्बाद ना करें, वैसे भी 25 सेकंड तो हमने वेस्ट कर ही दिए हैं, तो मैंने बाकी के बलून छोड़ दिए और साथ ही साथ लावा भी छोड़ दिया। और इस साइड मैंने एक लावा तो सही छोड़ा, पर दूसरा लावा मैंने थोड़ा गलत छोड़ दिया, क्योंकि इस बार जो लावा जो फूट जाता है बहुत जल्दी फूट जाता है। तो लावा पफ जो चाहिए रहते क्लीन अप के लिए वो भी नेसेसरी होते हैं, पर कोई बात नहीं, हमने स्पेल्स डाले तो स्पेल्स थोड़े हेल्प करेंगे आगे जाने के लिए। तो हेड स्पेल मैं तो कहता हूँ गाइस, रेड स्पेल लेना छोड़ो, हेड स्पेल ज़्यादा लिया करो। और रेड स्पेल लेना जब ऐसा लगे कि बलून बंच में है और विजार्ड टावर वगैरह जो स्प्लैश डैमेज देने वाला अगर बिल्डिंग है सामने, तो वहाँ पे यूज़ किया जाए रेड स्पेल को। तो बलून्स मेरे मर गए थे और मैं भूल ही था कि मेरे पास ग्रैंड वार्डन भी है और उसकी एबिलिटी भी बची हुई है। तो मैंने जैसे तैसे कर लिया, यूज़ कर लिया, नहीं तो ये जो बलून्स होते ये भी मेरे मर जाते। और मुझे लगता कि अटैक तो भाई गया हाथ से गया, तो मुझको अभी लग नहीं जाता कि भाई होगा थ्री स्टार। पर आपको जैसे कि पता ही है सीज ब्रेक क्या चीज़ है, विजार्ड्स निकलते हैं पेका निकलते हैं, और जब पेका और विजार्ड्स जब 12 विजार्ड्स निकल गए तो उसके बाद आता है अपना सीसी का ट्रोप जो कि है अपना इलेक्ट्रो ड्रैगन। आप देख ही सकते हो मैक्स लेवल लेवल 4 का TH13 के हिसाब से, तो भाई साहब मैक्स था अपने पास इलेक्ट्रो ड्रैगन। भाई पेका और इलेक्ट्रो ड्रैगन भाई क्या काम कर रहे थे, मतलब मजा आ गया यार। तो ये था यार, क्या ही बताऊँ मैं सभी लोगों को। तो मैं अभी थोड़ा अटैक कर देता हूँ फास्ट फॉरवर्ड क्योंकि बचा कुछ है नहीं अभी। तो ये पेका देखो और इलेक्ट्रो ड्रैगन देखो भाई साहब, ये पेका की वजह से ये जो पोर्शन था राइट साइड का 9:30 टू 6:00 का पोर्शन ख़त्म ही कर दिया। अरे सॉरी स्लो मोशन नहीं करने वाला अभी का जो फन है वो इस पार्ट में छिपा हुआ था, मतलब कि जो स्वीपर था एयर स्वीपर वो इलेक्ट्रो ड्रैगन को मतलब आगे बढ़ने ही नहीं रहता यार मतलब क्या ही बताऊँ। ये देखो इलेक्ट्रो ड्रैगन को देखो और स्वीपर को देखो, इलेक्ट्रो ड्रैगन वर्सेस एयर स्वीपर, मतलब एयर स्वीपर मतलब पूरी कसर निकाल दिया था कि नहीं इलेक्ट्रो ड्रैगन को आज आगे बढ़ने ही देना, पर अपना इलेक्ट्रो ड्रैगन भी बहुत ही ढीठ किस्म का है। और कोई बात नहीं, अपने को 5 ट्रॉफी मिली, ट्रॉफी से मतलब नहीं है, हमको मतलब है लूट से भाई। लूट इतना था कि मैंने स्क्रीनशॉट मार लिया। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, आई होप मज़ा आया होगा आपको। तो अगर मज़ा नहीं भी आया होगा तो मुझे पता है ये वीडियो हेल्पफुल हुई होगी, तो आप सभी लोग कॉपी कर लो। और आर्मी मतलब भाई ओपी है, मतलब यूज़ करना चाहिए आपको। तो हर तरीके बेस में यूज़ करेगी, हर तरीके के बेस में अगर नहीं किया तो भाई मुझे कमेंट से बताना। और हाँ आप सभी लोग एक बार ट्राई करके देखना ये आर्मी, भाई साहब बहुत ओपी आर्मी है, #OP आर्मी इन द चैट। तो कोई बात नहीं, आज की वीडियो यही थी। तो भाई मैं बोर्ड्स हैं 2 दिन बाकी हैं,
18 तारीख से। ओ नो, अभी एक ही दिन बाकी है, हालांकि आज 17 है। तो ठीक है गाइस, वीडियोस कब मिलेंगी, मेरे एग्ज़ाम होने दो, 12th है। तो बाय गाइस, टेक केयर। आप सबको भी एग्ज़ाम होंगे तो उसके लिए गुड लक आप सभी लोगों को। पहले सबसे पहले पढ़ाई करो, गेम को देखा जाएगा। तो बाय गाइस, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम, टू द टाइम, बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक।